अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति। दीदी जी आपका बहुत बहुत सदा परिवार स्वागत करता है। आज हम सबका दिल बल्लियों उछर रहा है। काफी लंबे समय से हमारा विचार था कि आपको बुलाया जाए, लेकिन वो घड़ी आज का ही दिन कहेंगे मुकर्रर थी। तो आज हमारे लिए बहुत खुशियों के पल है, आपको हमारे साथ हम पा रहे हैं, अवसर हमको मिलने जा रहा है। तो डॉक्टर साहब आप भी वेलकम करें, और पूनम बहन जी से भी मैं कहूंगा आप भी दो शब्द कहे दीदी के बारे में। डॉक्टर जैन भाई, डॉक्टर साहब। ओम शांति। ओम शांति। चक्रधारी दीदी को तो सारी दुनिया जानती है। अच्छा, लेकिन पता नहीं हमें जानते हैं कि नहीं। आप भूल गए क्या हमको? कैसे भूल सकते हैं। नहीं, आपको याद है, आपको याद होगा जब बाबा ने कहा था एक एक व्यक्ति को फोकस लगा के तैयार करना है, फोकस करके स्पीच के लिए तैयार कराना था। तो जगदीश भाई और आपने मिलकर सिलेक्ट किया था, इसमें जयंत भाई भी सिलेक्ट हुए थे, चंपा बेन और जयंत भाई, याद होगा आपको। आपने हमारा जो लेक्चर था उसमें भी करेक्शन किया था। तो ये आज तो आज बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि आप हर प्रकार से अनुभवी अनुभव लिया है। हमें ये भी याद है जगदीश भाई के साथ आप सूरत आए थे बहुत पहले पहले, जब फॉरेन से जगदीश भाई लौटे थे तब भी आप सूरत आए थे, तब मैं वहां था। अभी बड़ौदा में हम है, ये कारेली बाग जो सेंटर है वहां हम और चंपा निमित है। तो ये हमारा परिचय है, आपका परिचय तो सवाल ही नहीं है। चक्रधारी नाम ही है सारे विश्व के चक्कर लगाने वाले। तो आपको देखकर बहुत 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 खुशी हो रही है। पूनम बहन आप दो शब्द कहे। दीदी जी पूनम बहन का बहुत सहयोग रहा है, सारे दिल्ली के विशेष जो रतन है वो हमेशा हमसे मिलाते रहते हैं पूनम बहन जी कई दिनों से। तो पूनम बहन आप भी दो शब्द कहे। ओम शांति दीदी। आपका परिचय किसी का मोहताज नहीं है, स्वयं भगवान ने ही आपको चक्करधारी कह करके जब पुकारा तभी अलौकिक जन्म के साथ ही आपकी भारत और साथ साथ विदेश के अंदर सेवा केंद्रों को स्थापित करने की जो अद्भुत अलौकिक सेवाएं शुरू हुई वो आज सबके सामने हैं ही हैं। आप हम सबकी अति स्नेही अति आदरणीय अति माननीय और ब्राह्मण संसार की विशेष एक सबको स्नेह प्यार लुटाने वाली ऐसी हस्ती हैं कि जिनके नजदीक जाने को तो सबका बहुत ही मन करता है, लेकिन आज कितना सुंदर सौभाग्य का दिन है कि जूम मीटिंग पर आपको सभी बिल्कुल समीप से ही आपकी दृष्टि के द्वारा आपकी नजरों से निहाल होंगे। और आपकी वाणी में तो सरस्वती का निवास है, आपकी मधुर वाणी विनम्रता के लिए तो आप यज्ञ प्रसिद्ध हैं, और रशिया के अंदर तो आपके जाने से पहले ही बाबा ने आपके दिव्य साक्षात्कार लोगों को करवाए और वो इंतजार ही कर रहे थे कि कोई देवी हमारे देश के अंदर आने वाली है। तो सचमुच आपने बाबा के दिए हुए
दिव्य अलौकिक नाम को आज ऐसा सार्थक कर रखा है कि भारत देश तो क्या विदेश में भी बीके नॉन बीके के बीच में चाहे वो किसी भी प्रकार के सेवाओं के प्रोग्राम हो, चाहे संगोष्ठियां हो, चाहे सेमिनार हो, चाहे कॉन्फ्रेंस हो, चाहे टीचर ट्रेनिंग के प्रोग्राम हो, क्लासेस हो, कोई भी प्रकार का क्षेत्र आज आपकी सेवाओं से अछूता नहीं है। देश विदेश में लगातार आप अथक होकर के ऐसी सेवाएं दे रहे हैं कि आज लॉकडाउन में भी, आज के दिन तक भी हम भी आपसे सेवा लेने के लिए, आपके अनुभव सुनने के लिए, यूं तो आपके अनुभव इतने सारे हैं कि एक पूरा भागवत ही बन सकता है, लेकिन फिर भी जो है हम चाहेंगे कि थोड़े समय के अंदर ही आपके अनुभवों से सभी ऐसे तृप्त हो जाएं जो इतने दिन से इंतजार कर रहे थे कि दीदी जी आए जूम मीटिंग में। तो जूम मीटिंग में हमारी दिल्ली की आर्ट एंड कल्चर प्रभाग की सभी टीचर बहनों की ओर से, आदरणीय कृष्णा बहन जी की ओर से भी और सभी भाई बहनों की ओर से भी आपका तहे दिल से, हृदय से, नैनों से, फूलों से, गीत संगीत से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आपकी सेवाओं के तो मैं तो क्या कहूँ, आज आप विश्व प्रसिद्ध हैं। अगर आपका मात्र नाम ही लिया जाता है तो उस नाम के साथ साथ यज्ञ की सभी विशेष हस्तियां भी स्मृति में आ जाती हैं। और आपके मुखार बिंद से जब उन दिव्य अलौकिक नामों के अनुभव के साथ प्रसंग सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल जैसे वो हमारे समक्ष ही हो, सामने ही हो। तो ऐसे सुंदर अनुभव सुनाने के लिए और विशेष समय की डिमांड के अनुसार ब्राह्मण संसार वालों का पुरुषार्थ इस समय क्या होना चाहिए, तो ये आपके मुखारविंद से सुनना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। ओम धन्यवाद। आपका अब आपने कहा कि गीतों गीत के द्वारा भी आपका स्वागत है। तो दीदी 2018 में दादी जानकी को कुलदीप बहन जी ने हैदराबाद में बुलाया था, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आपको ध्यान होगा। और दादी ने फिर भरे स्टेज में, भरी सभा के बीच में पूछा कि कुलदीप मधुरवाणी ग्रुप कहाँ है। तो मधुरवाणी ग्रुप का आयोजन नहीं था, तो दादी ने कहा वो प्रोग्राम क्या जिसमें मधुरवाणी ना हो। तो आपका आना हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम ही है। तो मधुरवाणी का बीज अर्थात सतीश भाई हमारे साथ है और आपके स्वागत में सुंदर सा एक छोटा गीत और वो प्रस्तुत करेंगे, फिर आप अपना अनुभव सुनाए। सतीश भाई ओम शांति। दीदी नमस्ते। नमस्ते ओम शांति जी। दीदी आपसे तो हमेशा कई रंग से मिलते हैं, कई ढंग से मिलते आए हैं और जब भी होता है आपके साथ ही हम सब होते हैं, लेकिन आज एक नए रूप से मिल रहे हैं और इस रूप में मिलना, आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से भी मिलना और इस वेबिनार में भी मिलना, ये कितना अच्छा है। तो दीदी आपको देखता हूं तो एक चीज जो मुझे पूरे ही और सब बातों से आपको एकदम अलग करती है, वो एक बात, एक विशेषता लगती है कि आपको जब हम यूं तो आपके अंदर बैलेंस बहुत अच्छा है हंसमुख रहने का और गंभीर भी रहने का, लेकिन जो आपके अंदर सिंसियरिटी है, जो नियमों का, मर्यादाओं का, वाणी का जो संतुलन है और जो धीरज है, वो जगदीश भाई की सूरत आप दिखाई पड़ती हैं, वो मैं अलग से देखता हूं। तो मैं आपको पूरे ईश्वरीय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं क्या कहूं आपके लिए, आप तो शुरू से ही प्रेरणा स्रोत रहे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि मधुरवाणी ग्रुप का नाम जो है चक्रधारी दीदी ने जब वहां विमेन कॉन्फ्रेंस था ज्ञान सरोवर में 96 क्या उसके पहले का कुछ होगा, तो दीदी ने पूछा मुझे, ओम शांति भवन के रास्ते पे मिली थी, तो दीदी ने पूछा कि भाई साहब ने कहा है सतीश भाई आपके ग्रुप का नाम मधुबनी ग्रुप रखा जाए या मधुरवाणी ग्रुप रखा जाए। तो मैंने यही कहा, कितना अच्छा, अच्छी आइडिया दी, नहीं तो पहले कहते सतीश भाई एंड पार्टी बोलते थे, वो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता था, कोई सीनियर होते थे, कोई जूनियर होते थे, लेकिन जब से ये नाम जो मिला है वो आपके मुखारबिंद से मिला और जगदीश भाई के सजेशन से मिला,
मुझे जब भी मधुरवाणी ग्रुप का नाम आता है तब आप सामने आ जाती हैं दीदी। तो आज दो लाइनें आपके लिए लिखा है, ये कविता है, गीत समझ ले जो भी है, मैं कोशिश करता हूँ आपके गुणों को आपकी विशेषताओं को कहना तो इतना आसान नहीं है, फिर भी मेरी कोशिश रहे। वरदानों से जन्म हुआ वा वरदानों से नामकरण, चक्रधारी बच्ची कहकर बाबा ने किया था संबोधन, चक्रधारी बच्ची कहकर बाबा ने किया था संबोधन, भारत में सेवाओं को शुरू होते बढ़ते देखा है, भाग्यवान है आप बड़ी क्या गजब भाग्य की रेखा है, कमला नगर की कहानी दीदी की जुबा पर जब आती, शक्ति नगर तक आते आते नयन नीर है भर लाती, शक्ति नगर तक आते आते नयन नीर है भर लाती, आदि रत्नों की गाथा का गुणगान करे चाहे कितना, वो त्याग तपस्या सेवा का वर्णन कम है करे जितना, जगदीश भाई के अंग संग रह आपने बहुत कुछ सीखा है, कौन सुना सकता अनुभवो दीदी आप सरीखा है, कौन सुना सकता अनुभवो दीदी आप सरीखा है, जगदीश भाई की आप टीचर या आपकी टीचर भाई जी थे, सही कहना है बहुत मुश्किल कि कौन किसके शिक्षक थे, जगदीश भाई की आप टीचर या आपकी टीचर भाई जी थे, सही है कहना बहुत ही मुश्किल कौन किसके शिक्षक थे, पर सत्य यही कि एक दूजे में दोनों में था सम्मान बड़ा, दोनों ने मिलकर सेवा का एक स्वर्णिम इतिहास गढ़ा, धीर और गंभीर भी, धीर और गंभीर भी, हंसना भी और हंसाना, गजब संतुलन आप दोनों में सद्गुण का भरा खजाना, जगदीश भाई की सेवाओं को आप है आगे बढ़ा रही, विश्व सेवा को बुलंदियों पर दीदी आप फैला रही, महिलाओं को उत्साहित कर शिव शक्ति उन्हें करते जाना, रशिया की सेवाओं में ऐसे ही रस भरते जाना, मीठी मीठी कहानियां सब सुनने को लालायित है, मीठी मीठी कहानियां सब सुनने को लालायित है, शिव स्मृति स्वागत करता हम सुनने को उत्साहित है, शिव स्मृति स्वागत करता हम सुनने को उत्साहित है। भाई बहुत सुंदर दीदी जी, अभी आप शुरू। शांति दीदी, अभी आप आदरणीय ब्रादर जी, अपने डॉक्टर जयंत जी, बहन जी, मेरी प्यारी मीठी पूनम बहन जी, सतीश ब्रादर जी, सबने ना जाने क्या क्या कह डाला, जिसके मैं कुछ
अपने को योग्य भी नहीं समझते हैं। बाकी भ्राता जगदीश जी कहाँ और चक्रधारी कहाँ, वो सदा ही सुप्रीम टीचर के नायब टीचर बच्चे रहे। हम आज भी स्टूडेंट हैं, तब भी स्टूडेंट थे और सदा स्टूडेंट ही रहेंगे, कभी भी टीचर के टीचर नहीं बन सकते। बाकी बहुत सुंदर अनुभव की श्रृंखला आपकी जो चल रही है बहुत समय से, मैंने भी बहुत से अनुभव सुने। जयंत भ्राता जी ने कहा कि कहीं हमको भूल तो नहीं गए, याद है। मैं जयंत भ्राता जी को कहूंगी कि उन्हें याद है कि चक्रधारी नाम से भी कोई बहन है, क्योंकि मैंने देश और विदेश के बहुत से भाई बहनों के एक्सपीरियंसेस सुने, अधिकतर बहनों के। कितने ज्यादा सीरियल अपनी हंसा बहन के चले, दूसरी हंसा के चले, चंद्रू बहन के आए, वेदांति बहन के हैं, अपने चंद्रिका दीदी के बहुत से, मान लीजिए मैं लगातार ये अनुभव सुनती रही। और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ये बहनें अधिकतर वो बहनें थी जो देश और देश से विदेश में जाकर सेवाओं पर रत हुई। लेकिन मुझे अगर कहा जाए अनुभव सुनाना तो मैं सोचती थी मैं अनुभव क्या सुनाऊंगी, क्योंकि अनुभव सुनाते सुनाते जवान से बूढ़े हो गए शारीरिक रूप से। बहुत सुनाया, कौन सा अनुभव शेष रह गया जो सुनाना है। लेकिन फिर भी मुझे पूनम बहन ने कहा और आप सब की तरफ से आग्रह हुआ, तो मैंने सोचा कि मुझे अवश्य स्वीकार करना चाहिए। मुझे ना कहना कभी भी अच्छा नहीं लगता। मुझे हमेशा आता है अपने ब्राह्मण परिवार अगर कोई छोटी सी सेवा कहे और मैं उसको कहूँ मैं नहीं कर सकती हूँ, ये वास्तव में बाबा का जो शब्द है ना, नास्तिक का शब्द है। मैं कभी इस ना शब्द को अपने में लाने नहीं देती। तो मैंने उसे स्वीकार किया। उन्होंने ये भी कहा एक नहीं दो दिन सुना लीजिए। तो मैंने साथ ही कहा, मन में सोचा कि अनुभव सुनाते सुनाते आदमी बूढ़ा हो गया, अब कितने अनुभव सुनाएगा। और मैं आज ही कह रही थी अपनी बहनों को भी कहीं मेरा अनुभव लिखा हुआ हो तो मुझे देना, मैं पढ़ तो लूं कि मैं क्या सुनाती थी। सचमुच मैं तो भूल भी गई हूँ कि कोई अनुभव भी मेरे पास था और मैं कभी सुनाती भी थी, इतना पुराना अनुभव हो चुका है। फिर भी आपने मुझे बड़े प्यार से इतना मान और महत्व दिया, तो मैं आपके इस मान और महत्व का सत्कार करती हुई जो भी मुझे याद आएगा मैं अवश्य सुनाती जाऊंगी। अब जैसे सबसे पहले नाम चला कि भी मुझे नाम ही चक्रधारी मिला, तो वास्तव में बहुत से मेरे से पूछते हैं ये नाम आपका लौकिक है अलौकिक है, क्या आपका नाम। तो मैं समझती हूँ मेरा ये नाम अलौकिक नाम है। एक है परलौकिक पिता ने वतन से नाम भेजे, एक है अलौकिक बाप दादा ने मुझे इस नाम से पुकारा, तो मेरा नाम अलौकिक कहलाता है। अलौकिक भी कैसे हुआ वो भी मैं आपको थोड़े में सुनाना चाहूंगी कि मैं भक्ति काल से श्री कृष्ण को बहुत पूजा करती थी और श्री कृष्ण को जयकृष्णी पंथ कहलाता है, जिसके अधिकतर ब्रांचेस महाराष्ट्र में भुसावल पूना तामगांव इन स्थानों पर उनकी ज्यादा ब्रांचेस थी और दिल्ली में भी काफी ब्रांचेस हैं। तो मैं जयकृष्णी पंथ को ही बिलोंग करती थी और उसमें सिवाय श्री कृष्ण के किसी और को मानते नहीं थे। तो इतने तक विश्वास था कि एक श्री कृष्ण ही भगवान है, दूसरा कोई भगवान हो ही नहीं सकता। और अगर कोई अन्य प्रतिमा दिखाई भी देती तो मैं देखते हुए भी आंख पर ऐसे हाथ रख लेती कि कहीं मुझे कुछ और दिखाई न दे, क्योंकि मेरा तो भगवान एक श्री कृष्ण है, दूसरा कोई मेरे लिए भगवान है ही नहीं, इतनी आस्था और इतना विश्वास। और मैं श्री चक्रधर के नाम से ही परमात्मा को याद करती थी, क्योंकि उस पंथ में बताते थे श्री कृष्ण कैसे श्री चक्रधर के रूप से भी उन्होंने अवतार लिया। तो मैं श्री चक्रधर के नाम से ही पूजा पाठ किया करती। तो एक बार की बात है,
कि मुझे लौकिक माता जी ने ये सुनाया कि भगवान सृष्टि पर आ चुके हैं और आकर गीता ज्ञान सुना रहे हैं। अब मैं उनके द्वारा ज्ञान सुन रही हूँ, इसलिए जिस प्रभु को मिलने की मैं भक्ति करती थी, अब मैंने वो भक्ति करना छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान से ज्ञान सुनती। तो घर में बहुत बड़ा मंदिर था, जिस मंदिर में मैं और लौकिक मम्मी ही पूजा करते थे, बाकी कोई भी कोई इतना पूजा पाठ नहीं करते। तो जब उन्होंने पूजा पाठ करना बंद किया तो ये सारा कार्यभार मंदिर का मेरे ऊपर आया। उसमें ठाकुरों को हर शुक्रवार के दिन नहलाना, उनको कई बार कपड़े बदलना, उनको तिलक लगाना, खुशबूदार तेल से सजाना, उनके छत्र को साफ करना, उनको सुबह भोग लगाना, रात को भोग लगाना, रात को सुलाना, सुबह उनको जगाना, ये सारा काम होता था। तो मैं पढ़ाई भी पढ़ती थी और अपने मंदिर के इन ठाकुरों को भी बहुत पूजा पाठ करती थी। तो इतना करने के बावजूद भी मेरे ठाकुर जैसे कि जंक लग जाता है, ऐसे उल्ली सी लग जाती थी। मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि मैं इतनी पूजा करके इतना स्वच्छ करती हूँ, फिर भी ये ठाकुर स्वच्छ क्यों नहीं होते। तो मैं मन ही मन कहती थी मम्मी को कि आपने पूजा करनी छोड़ दी, इसलिए ठाकुर भी नाराज हो रहे हैं, निराश हो गए हैं। लेकिन वो यही कहते कि आपको तो भगवान नहीं मिला, लेकिन इसलिए आपकी भक्ति अभी रह गई है, आप भक्ति करो और मैं तो भगवान से ज्ञान सुन रही हूँ। तो ऐसा उनका कहना चलता था। तो मैं भक्ति काल का आपको बता देती हूँ कि मैं भक्ति में भगवान के प्रति मेरे को बहुत आस्था थी। अगर गर्मी लगती थी तो मैं रात को उठ करके आकर के भगवान के जो मंदिर छोटा सा पंखा लगाया हुआ था, एकदम आकर पंखा खोलती थी ताकि उनको ठाकुरों को गर्मी ना लगती हो। और अगर गर्मी ज्यादा होती थी तो ठंडा पानी लेकर खुले बर्तन में ठाकुरों को रखती और पानी में उनको ठंडा करती ताकि उनको गर्मी ना लगे। सर्दी के मौसम में उनके लिए खटिया छोटी छोटी, जमुना पर मेला होता था तो उस मेले में छोटी छोटी सी खटियाएं बिकती थी, तो उनके लिए खटियाएं ले आई और खटिया के ऊपर छोटे छोटे गद्दे, शानील के गद्दे बनाए, उनकी साटन की रजाइयां बनाई, तो उनको रात को सुलाना, सुबह उनको जगाना, उनको दोनों टाइम भोग लगाना, ये सब मैं करती थी। साष्टांग दंडवत डालना, क्योंकि उस पंथ में जो शास्त्र थे वो मराठी भाषा में होते थे, तो मराठी भाषा मुझे ना आने के कारण मैं सुनना चाहती थी कि शास्त्रों में क्या लिखा है। लेकिन वो शास्त्र वही सुन सकते थे जिन्होंने गुरु मंत्र लिया होता। अगर गुरु नहीं किया हुआ है तो उनको शास्त्र सुनने का अधिकार नहीं। तो जब वो सुनाना शुरू करते थे तो हमको सभा से उठा देते, तो मुझे बहुत दुख होता था कि मैं शास्त्र नहीं सुन पाती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि मैं थर्ड क्लास में अभी पढ़ती थी, तो फिर माता जी से बहुत आग्रह किया कि हमको गुरु करा दो। तो माता जी ने हम तीनों भाई बहनों को, छोटा भाई था, मैं थी और एक बड़ी बहन थी, तो हम तीनों भाई बहनों को गुरु करा दिए। और गुरु जी ने माला दे दी, मंत्र दिया, मूर्ति दी, हम पूजा पाठ बचपन से छोटे होते करती थी और गीता का अध्ययन बहुत करती थी। गीता का 12वां अध्याय छोटा था, अगर कॉलेज स्कूल में जाने में लेट हो रहा होता तो जल्दी जल्दी 12वां अध्याय पढ़ करके पूरा कर लेती, ताकि गीता का अध्याय भी ना रह जाए और टाइम पर स्कूल या कॉलेज में भी जा सके। तो बहुत भक्ति भावना में श्रद्धा थी। साष्टांग दंडवत डालना, सौ सौ दंडवत डालती थी, कई बार घुटने छिल जाते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि इस दंडवत डालने से गुरु जी ने बता दिया कि कई योनियां खत्म हो जाती है। जब सीधे खड़े होते हैं तो जो पेड़ पौधे हैं ये योनि खत्म हो जाएगी, जब थोड़ा झुकते हैं तो जो ऐसे जानवर हैं जो थोड़े झुक करके चलते हैं जैसे गाय भैंसे हैं, ये योनियां खत्म हो जाएगी। जब लेटते हैं तो रेंगने वाले जितने भी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू है, ये योनि खत्म हो जाएगी। तो
तो इस प्रकार ये 84 लाख योनियां खत्म हो जाएंगी अगर इस प्रकार साष्टांग दंड डालेंगे। तो मैं जब सब घर में सो जाते थे, क्योंकि नहीं तो मजाक उड़ाते थे कि देखो जी भक्तन क्या कर रही है, इसलिए सब सो जाए तो मैं दंडवत डालना शुरू करती थी और कई बार मेरे घुटने छिल जाते। मैं बहुत प्यार करती थी, बस भगवान मुझे, दो ही इच्छाएं होती थी, एक मुझे भगवान मिल जाए और दूसरा मुझे लौकिक शिक्षा आ जाए। बस पढ़ाई आनी चाहिए और भगवान मिलना है, मुझे दुनिया को और कुछ नहीं चाहिए, दो ही तमन्नाएं थी। किसी ने कहा कि चलती ट्रेन अगर चल रही देखो और उंगली पर उंगली रख करके ऐसे आप जो कहेंगे आपकी बात पूरी हो जाए। तो कई बार घर के नजदीक स्टेशन था, ज्यादा दूर नहीं था, तो स्टेशन पर जाकर भी मैं स्टेशन पुल पर खड़ी होकर उंगली ऐसे करके और भगवान को कह आती थी कि तुम मुझे मिल जा और मुझे लौकिक शिक्षा आ जाए। इतनी आस्था थी भगवान को पाने। तो जब हमारी लौकिक माता जी ने ये कहना शुरू कर दिया कि भगवान तो आ चुके हैं और अब आप भक्ति करो, लेकिन मैं तो भगवान का ज्ञान सुनूंगी, तो मेरे मन में बहुत आया कि मैं भगवान से मिलना कहती हूँ लेकिन रोज मदर कहती है भगवान आ चुका है, तो मुझे सुनाया करती थी लेकिन मैं सुनते हुए भी जैसे कि मैं नहीं सुन रही हूँ, ऐसा रूप रखती थी। तो एक बार मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो जाए जो कहते हैं कि तुलसीदास चंदन ही घोटते रह गए और राम जी तिलक देके भी चले गए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यही कहती रह जाऊं कि भगवान मुझे मिले, भगवान मुझे मिले, और भगवान कहीं आकर चले ही जाए। तो मैंने बिना किसी को बताए घर में माउंट आबू का एड्रेस का झाड़ और त्रिमूर्ति दो चित्र लौकी घर में टंगे हुए थे, तो मैंने वहां से माउंट आबू का एड्रेस लिया और बाबा को एक पत्र लिख डाला। मैं उस समय, मैं समझती हूँ शायद स्कूल में ही पढ़ती थी, तो मैंने पत्र में लिखा कि मेरी लौकिक माता जी, लौकिक मैंने उनका शब्द सुना था, लौकिक लौकिक कहते हैं, तो मैंने भी यही शब्द का संबोधन किया कि मेरी लौकिक माता जी जो आपका ज्ञान सुन रही हैं वो रोज कहती हैं भगवान आ चुके, लेकिन मैं इतने सच्चे मन से भगवान की पूजा करती हूँ, मुझे संपूर्ण निश्चय है कि भगवान आएगा तो मुझे मिले बिना वो कभी जाएगा नहीं, और सचमुच अगर आप आ चुके हो तो आप मुझे स्पष्ट लिखोगे कि मैं आ चुका हूँ, तब मैं मानूंगी, अगर आपने मुझे लिखा नहीं तो मैं आपका आना नहीं मानूंगी। भक्त भी बड़ा जिद्दी होता है लेकिन हुज्जत भी बहुत होती है, विश्वास के आधार से इतनी हुज्जत होती है कि मेरा भगवान अगर आएगा तो मुझे मिले बिना कैसे चला जाएगा, मैं उसके सच्चे मन से भक्ति करती। तो मैंने लौकी घर के पते से पता लेकर एड्रेस लेके माउंट आबू में 5-6 पेज का पत्र बाबा को सारा लिख डाला, ये मेरी लौकिक मम्मी का नाम है, यहाँ मैं रहती हूँ, इस क्लास में पढ़ती हूँ, इतनी मेरी एज है, ऐसे मैं भक्ति करती हूँ और श्री चक्रधर मेरे भगवान, इसलिए सचमुच अगर आप आ गए हो तो मुझे स्पष्ट लिखो कि मैं आया, जब तक आप मुझे सूचित नहीं करोगे मैं मानने वाली नहीं। तो मान लीजिए मैंने पत्र आज डाला और पहली पोस्ट से मैंने पत्र डाला, जाकर स्टेशन पर ट्रेन में डालकर आई ताकि मेरा पत्र जल्दी पहुंचना चाहिए, और बाबा का भी वहां से दूसरे दिन ही मुझे पोस्ट किया हुआ पत्र तीसरे दिन घर में पहुंच गया। और जब एक पेज का पत्र था तो उसमें बाबा ने लिखा हुआ था, बाप दादा ने बच्ची का पत्र पाया, बाप दादा हर्षाया, बहुत प्यार से लिखा हुआ था। मुझे ये तो नहीं मालूम था कि कभी इस पत्र का हवाला मुझे कहीं ना कहीं सुनाना पड़ेगा, लेकिन थोड़े शब्द याद हैं, तो मैंने जो बाबा को कहा था कि आप मुझे लिखो कि मैं आया हूँ, तो सचमुच उस पत्र में ये लिखा था, बाप तो आया है, तुम अपने प्रीतम का मुझे फोटो तो भेजो, तुम ही चक्रधारी हो, बाप तुम्हें चक्रवर्ती बनाने के लिए आया है,
ऐसे कुछ शब्द थे बाबा के। तो मैंने वो पत्र पढ़ा और पढ़कर अपनी लौकिक माता जी को पत्र सुनाया, दिखाया खाली कि आपके बाबा का पत्र आया। तो उन्होंने कहा कि हमारे बाबा घर घर पत्र नहीं डालते, क्योंकि ऐसे तो पब्लिक पत्र लिखती रहती है और अगर हरे को जवाब देने लगे तो ये नहीं चलता। हमारा सिस्टम में सेंटर के थ्रू पत्र जाता है और सेंटर के थ्रू ही पत्र का रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने उनको ये उत्तर दिया, अगर वो आपका बाप हो तब ना, अगर वो मेरा भी हो तो पत्र डाल सकता है। तो मम्मी ने, मैंने उनको पत्र दिखाया तो लाल पेंसिल का पत्र वो पहचान गई कि है तो बाबा का लिखा हुआ, और उन्होंने पढ़ा पत्र। मैं कभी सेवा केंद्र में नहीं गई थी, उन्होंने अपने सेवा केंद्र में जाकर बताया कि मेरी बच्ची को पत्र आया है बाबा का। तो दीदियों ने कहा कि आप अपनी बच्ची को कभी लेकर तो आओ, उसको यही कहो कि वो हमें पत्र सुना कर जाए। तो जब मुझे ये कहा गया कि हमारे सेंटर में आपको बुलाया है कि बाबा का जो पत्र आया वो हमको सुना कर जाओ, तो मैं उनके कहने पर पत्र लेकर के सेंटर में गई। जाते ही उन्होंने मुझे गद्दी पर ही बिठाया और बिठा कर कहा कि आप अपना पत्र पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया और ये कानों में मेरी आवाज गूंजती रही, बाप तो आया है, तुम ही चक्रधारी हो, तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है। तो जो बाप तो आया है, ये शब्द मेरे को बाबा के कानों में गूंजते थे। तब उन्होंने कहा कि अब क्या आपने डिसाइड किया है। मैंने कहा डिसाइड तो ये किया है कि ज्ञान सुनूंगी, अच्छा लगा तो मानूंगी, नहीं लगा तो नहीं मानूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं रहती कश्मीरी गेट थी, तो मुझे सजेस्ट किया गया कि आप कमला नगर सेंटर, उस समय जो प्रथम सेवा केंद्र विश्व का खुला हुआ था, मुझे कहा वहां जाओ। उस समय वहां गुलजार दादी जी रहते थे, जो जर्मनी में सुदेश बहन है वो रहती थी, और जगदीश भ्राता जी रहते थे, और एक माता भंडारे की थी, और दो भाई आत्म प्रकाश जी, सत्यनारायण जी, ये लिटरेचर साहित्य देखते थे, ये रहते थे ऊपर। तो हमने वहां, जब मैं गई तो सुदेश बहन ने हमको ज्ञान सुनाना शुरू किया, और गुलजार दादी हमने पूछती थी कि आज क्या सुना। मैं समझती हूँ कि दो ही दिन हुए होंगे ज्ञान सुनते हुए। दो दिन के पश्चात मैंने लौकिक मम्मी को देखा कि वो तैयार हो रहे थे, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप आज क्यों तैयार हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हमारी मातेश्वरी जी दिल्ली में आ रही हैं, मैं उनसे मिलने के लिए जा रही हूँ। तो मैंने उनसे आज्ञा मांगी कि अगर मैं आपके साथ चलूं तो क्या मैं चल सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अगर आपकी इच्छा हो तो आप चल सकते हैं। तो मैं अपनी माता जी के साथ राजौरी गार्डन या कीर्ति नगर, कौन सी जगह थी, वहां पर मामा आई थी। तो लौकिक माता जी अपने सेंटर की यज्ञ माता कहलाती थी। तो वह डायरेक्ट मामा के पास कमरे में चली गई, मैं भी उनके साथ साथ अंदर चली गई। दो बहनें हमारे जाने से पूर्व पहले ही वहां से खड़ी थी, और मामा भी खड़ी थी, और वो दो बहनें भी खड़ी थी, शायद मम्मा क्लास में जाने के लिए तैयार खड़ी थी। तो जब मम्मा खड़ी थी तो एक बहन ने मम्मा के गले लग के मिली, फिर दूसरी बहन मम्मा के गले लग के मिली, फिर हमारी लौकिक माता जी मम्मा के गले लग के बड़े प्यार से मिली। मैंने सोचा शायद यहाँ का सिस्टम ही गले लग के मिलने का होता होगा। तो जब मेरा नंबर आया तो मैं भी आगे बढ़ी, तो मम्मा ने मुझे कंधों से, ऐसे बड़े प्यार से कंधों से पकड़ा और पकड़ कर कहा अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है। वास्तव में मेरा कोई नाम चक्रधारी नहीं था, बाबा ने जो पत्र मैंने लिखा था वो मुझे पीछे पता चला कि क्लास में पढ़वा कर सुनवाया था, और मम्मा ने भी वो पत्र सुना था, और मामा ने मुझे, बाबा ने मुझे लिखा था कि तुम ही चक्रधारी हो,
बाबा तुम्हें चक्रवर्ती बनाने आया है और मम्मा ने मुझे इसी नाम से पुकारा। अच्छा आज हमारी चक्रधारी भी आई है, क्योंकि मैंने अपने लौकिक मम्मी का परिचय लिखा था जिसको मामा जानते थे, तो उनके साथ खड़ा देखकर वो समझ गए कि मैं वही हूँ। तो जैसे बाबा ने लिखा मामा ने पुकारा, और जब मैं क्लास से बाहर निकली तो मुझे सब चक्रधारी नाम से ही पुकार रहे थे कि आज राजरानी की बच्ची चक्रधारी भी आई है, आज राजरानी की बच्ची चक्रधारी भी आई है। तो मैं ऐसा कहूंगी वो प्रथम दिन था कि बाप को लिखा, माँ ने मुझे पुकारा और वो मुझे चक्रधारी नाम, जो ऐसा नाम मिला जो मेरा आज तक वही नाम कायम रहा, जो मेरे शरीर के माता पिता ने मुझे नाम दिया था, वो नाम जन्म लेते ही, क्या कहूंगी, जन्म का संकल्प करते ही मेरा वो नाम समाप्त हो गया और इस नाम से ही मैं जाने जाने लगी। तो मैं बड़ी परम सौभाग्य अपने आप का समझती हूँ कि मुझे प्यारे बाबा ने जन्म से पूर्व जन्म का संकल्प लेते ही मुझे इस नाम से सुशोभित किया। तो मैं ये मेरे नामकरण का जो समाचार है वो मैंने आपको सुनाया और भक्ति की भावना का सुनाया, क्योंकि भक्ति में भक्त को बहुत विश्वास होता है। मैं बहुत गीता पढ़ती थी इसलिए गीता पर विश्वास था, और गीता के ज्ञान को जब मैंने ज्ञान मार्ग में सुना तो मुझे गीता का सत्य ज्ञान समझ में आने लगा। इस प्रकार मैं ज्ञान में चलने लगी। अभी ज्ञान में चलते हुए थोड़ा समय हुआ, मैंने अपनी कॉलेज की स्टडी पूरी की। जब स्टडी पूरी की तब मैंने, मां पिताजी का तो ये विचार चलता था कि इन्हें टीचर्स ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि अपने पांव पर बच्चा खड़ा रहना चाहिए, और पिताजी ज्ञान सुनते अवश्य थे लेकिन इतने निश्चय बुद्धि नहीं, मदर बहुत निश्चय बुद्धि। तो बाबा को हमने लिखा था कि बाबा हमको पिता छुट्टी नहीं देते हैं सेवा केंद्र में रहने की। तो ऐसी हम तीन कन्याएं थी तो बाबा ने हम बच्चों को विशेष एक स्विंग क्लास खोल के दी। बाबा ने कहा मैं मशीनें भेजता हूँ, और एक माता है करोलबाग सेंटर के जाने वाली, लेकिन उसका एक बहुत अच्छी बंगला है, वो आपको कमरे दे देगी और वहां पर आप अपनी स्विंग क्लास खोलो। घर से स्विंग क्लास के निमित्त आप वहां आओगे, जिससे बाबा के ज्ञान रतन सुनोगे भी और अनेकों को सुनाने का चांस भी मिले। इस प्रकार हमने प्यारे बाबा की आज्ञा के अनुसार स्विंग क्लास खोला, और जो भी मधुबन से आता था तो बाबा उनके हाथ हमें टोली ज्ञान के पॉइंट्स बहुत भेजा करते, और सबको कहते थे जाओ मेरी कन्याओं की स्विंग क्लास जरूर देखना। हालांकि हमें इतनी स्विंग करनी नहीं आती थी, लेकिन घर से कोई सिले सिलाए कपड़े भी ले जाकर हम टांग देते थे, ऐसा लगे कि बहुत फ्रॉक सिले हुए हैं, छोटे बच्चों की बुशर्ट है, निकर है, शर्ट्स हैं, ये सब चीजें हमने सी के लगाई है। थोड़ा दो चार सीते थे लेकिन बाकी तो सब सिले सिलाए लगा देते थे, जैसे बड़ा स्कूल हमारा चल रहा है। इस प्रकार ये हमारा जीवन चला। लेकिन अभी थोड़ा ही समय हुआ तो बाबा ने हमको ये कहा कि बच्चे बाबा तुमको अपने पास बॉम्बई में, बाबा जा रहा है और बाबा आपको अपने पास बॉम्बई में बुलाता है, चले आओ चले आओ। ऐसे बाबा ने फोन में कहा चले आओ बच्चे, बाबा बॉम्बे, सारा बॉम्बे तुम बच्चों को घुमाएगा, तुम बॉम्बे में आ जाओ। तो हमने कुछ नहीं सोचा, इतना विश्वास था कि हमें भगवान ने बुलाया है, कोई दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता जो हमें रुका सके। इसलिए बिना घर से पूछे हमने जितनी शॉपिंग करनी थी उसी दिन मार्केट में गए, शॉपिंग की सब तैयारी शुरू कर दी। पिताजी ने पूछा कि ये सब तैयारियां किसकी हो रही है, तो मैंने कहा कि हमें बाबा ने बॉम्बे बुलाया है, हम बॉम्बे जा रहे हैं। पिताजी ने कहा आपके बाबा को ये नहीं मालूम
कि जवान लड़कियां घर से बॉम्बे घूमने नहीं जाती हैं, इसलिए आपको मैं बॉम्बे घूमने नहीं जाने दूंगा। मेरे मन में एकदम आवाज आए कि भगवान हमको बुलाए और एक इंसान हमको जाने ना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो बिल्कुल अपनी बात पर स्ट्रांग रहे कि मुझे नहीं जाने दे। और हमने जब उनकी लाश तक जिद देखी तो हमने सोचा हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं मानते। मैं जब बहनें जो जा रही थी उनको विदाई देने के लिए, उनका विदाई समारोह रखा हुआ था, जो बड़े दीदी थे, जो पहले जिनको दीदी कहते थे, मम्मा के बाद वही एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहलाते थे, तो दीदी बड़ी हमको लेकर जा रही थी। तो विदाई समारोह हो रहा था, तो मैं विदाई समारोह में गई। सबने कहा चक्रधरी आप जा रही हो चक्र, मैंने कहा नहीं जा रही। तो सबने कहा ऐसा कैसे, आप क्यों नहीं जा रही। तो मैंने फिर अपने लौकिक पिताजी को एक लास्ट फोन फिर किया। मैंने कहा पापा जी सभी जा रहे हैं, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं भी चली जाऊं। तो पिताजी ने उस समय मुझे उत्तर दिया कि अगर आपको जाना ही है तो फिर मेरे से क्यों पूछती हो बार बार। ये मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे हाफ कंसेंट उनकी मुझे मिल गई। तो मैंने फौरन घर में गई, तैयारी मैंने सब कर रखी थी, सामान उठाया, और मैं समझती हूँ ट्रेन चलने में एक मिनट रह चुका होगा कि मैं स्टेशन पर पहुंच गई। और मैं बाबा के साथ उस समय एक मास तक बाबा के साथ बॉम्बे में रही। बाबा ने हम बच्चों को कोई ऐसा बॉम्बे का स्थान नहीं जहां घूमने के लिए ना भेजा। देखिए कोई ऐसे बाबा के संपर्क संबंध में आए हुए बच्चे भी नहीं होंगे जिनकी सेवा के लिए बाबा ने हमको ना भेजा। कई ऐसे बाबा के बच्चे थे जो माया का सामना ना कर सकने के कारण ज्ञान से चले गए, तो बाबा हमको उनके पास भी भेजा करते। एक बार बाबा ने कहा कि एक जसलोक हॉस्पिटल है बॉम्बे का, तो कहा जसलोक के मालिक जो है वो काकुमल उनका नाम था, तो कहा काकुमल को बच्चे ज्ञान सुनाओ जाकर, बाबा का संदेश दे के आओ, बड़ा भक्त बच्चा। तो हम जब काकुमल के पास गए तो उन्होंने जो बाबा हमको पढ़ाता था पाठ, वो बाबा का सुनाया हुआ हम पूरा जाकर वहां सुना देते थे, और जो हमको वो कहते थे वो हम आपको बाबा को आकर के बाबा को उत्तर बताते थे। तो बाबा को, बाबा ने जो हमको सुनाया कि आप इसे जाकर ये सुनाओ, तो हमने उनको सभी बातें बाबा की सुना दी और उसने बड़े ध्यान से सुना। फिर उसने कहा कि आपने सुनाया, अब मेरी भी सुनो। जैसे आपने दादा का मैसेज मुझे दिया है, ऐसे मेरा मैसेज दादा को जाकर सुनो। तो हमने उनका मैसेज भी सुना, तो उन्होंने यही कहा कि ये जो चित्र है बहुत बड़ा, श्री कृष्ण का चित्र उनके घर में लगा हुआ था, कहा ये जो श्री कृष्ण का सामने चित्र देख रहे हो, एक बार दादा मुझे इनका साक्षात्कार करा दे, अगर एक बार मुझे दर्शन हो जाएंगे तो मैं घुटनों के बल चलकर भी दादा के पास पहुंच जाऊंगी। क्योंकि दुनिया यही समझती थी कि यहाँ जो साक्षात्कार होते हैं वो इनको ब्रह्मा बाबा कराते, लेकिन हम तो बच्चे ज्ञान से जानते ही थे। तो जब हमने जाकर बाबा को बताया कि बाबा उन्होंने ये कहा, तो बाबा ने फौरन कहा बच्चे ये तो उस अथॉरिटी की शक्ति है, वो चाहे तो क्या भी कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो बाबा कभी भी किसी चीज को स्वीकार नहीं कर लेते थे, जो था उसको वही रूप समझते थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा ने हमको बहुत जगहों पर सेवा करने का तरीका सिखाया, सेवा कैसे की जाती है ये बाबा हमको ढंग बताते रहते थे और बता करके समझा कर हमको भेजते थे। एक बार की बात याद आ रही है, बात करते करते
तो हम बाबा के साथ प्रातः सैर पर जाते थे रोज। बाबा क्लास से पहले मॉर्निंग वॉक के लिए बॉम्बे में जाते थे। दो गार्डन थे, एक हैंगिंग गार्डन और एक नेहरू गार्डन। तो कभी हैंगिंग गार्डन जाते थे, कभी नेहरू गार्डन। जो बाबा लॉन्ग बूट कहते हैं, वो लॉन्ग बूट वहीं बना हुआ था जिसमें बच्चे अंदर जाते थे और ऊपर निकल आते। तो बाबा हम बच्चों को भी सैर पर ले जाते थे और एक साइड में खड़े होकर के कुछ ना कुछ महावाक्य उच्चारण करते। तो बाबा तो मैंने बाबा को कहा, बाबा क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान सूर्य तो ये खड़ा है और ज्ञान सुना रहा है और ये बिचारी आत्मा उस ज्ञान सूर्य को ना जानकर इस सूर्य को ही भगवान समझ रही है। तब मैंने उनको कहा, बाबा को कहा, बाबा इनको जाकर के ज्ञान सुनाओ। तो बाबा ने बड़े प्यार से मेरी तरफ देख कर कहा, बच्चे रहने दो। तो मैंने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, लेकिन इंसान की बुद्धि ऐसी है कि बार बार वहां जाती है। मैं जो ही जाऊं तो फिर मेरा ध्यान उसी की तरफ जाए कि कैसे वो सूर्य की पूजा करते हैं और सूर्य को जल देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। मैं समझती हुई दो दिन बीते होंगे या थर्ड डे ही था, तो वो व्यक्ति जहां खड़ा था वहीं उसने अपनी पानी की लोटी रख दी और बड़ा तेजी के कदमों से बाबा की तरफ बढ़ता चला आया। आकर वो बाबा के चरणों पर गिर गया। बाबा ने दोनों कंधों से पकड़कर उस बच्चे को अपने गले लगाया और जैसे उसके आंसू आ रहे हो, आवाज आती है आंसू आने वाले की, तो बाबा ने उसका गर्दन ऐसे की अपनी तरफ मुंह किया और अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और उसकी आंखें पोछी। जब उसकी आंखें पोछी तो कुछ क्षणों में उसने बाबा को देखा, अवश्य देख करके वो चला गया और हमारा भी समय हो गया, हम भी चले आए। लेकिन बाहर निकलकर बाबा ने एक बच्चे को कहा कि बच्चे तुम थोड़ा ठहर जाओ। और जो बच्चा बाबा के चरणों पर आकर गिरा था, इससे पूछ कर आओ कि ये क्यों गिरा और इसको आंसू क्यों आए। तो जब वो बच्चा पूछ कर वापिस आया, क्योंकि हम सब बच्चों के मन में तो संकल्प चल ही रहा था ये सब क्या हुआ, वो आया और चरणों पर गिरा, रोया, चला भी गया। तो बाबा ने, बाबा जानते हैं सब बच्चों के मन की बातें भी। तो जब वो बच्चा उनसे पूछ कर आया तो बाबा को बता रहा था कि बाबा वो सुना रहा था जो चरणों पर गिरा। उसने कहा कि मैं बहुत समय से विष्णु भगवान का उपासक रहा, आज मुझे मेरे भगवान के दर्शन हुए, उन दर्शनों को प्राप्त करके मैं धन्य धन्य हो गया। तो मैं उनके चरणों पर गिर गया और भावुक हो गया, बहुत भावना में भावुक हो गया, तो मेरे आंखों से अश्रु धारा बह उठी। तो भाई ने कहा कि जिनके द्वारा आपको श्री विष्णु जी के दर्शन हुए, वो फ्लां फ्लां स्थान पर आए हुए हैं, ज्ञान सुनाते हैं, आप कभी भी आइए और आकर ज्ञान सुनिए। अब देखो वो भाई आगे से क्या कहता है। कहते हैं, नहीं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे मेरे भगवान के दर्शन चाहिए, बस मुझे दर्शन प्राप्त हो गए। कारण क्या हुआ कि जिस समय उसे साक्षात्कार विष्णु जी का हो रहा था,
उस विष्णु के साक्षात्कार को प्राप्त कर वो चरणों पर गिरा और भावुक होकर उसके आंसू भी निकले। लेकिन जब बाबा ने उसका चेहरा अपनी तरफ करके और उसके आंसू पोंछे, अवश्य उसने बाबा को साधारण रूप में देखा, तो साधारण रूप में देख कर क्यों चला गया। उसको ये लगा मेरा भगवान तो है ही नहीं, ये तो कोई दूसरा है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे शिव बाबा को पहचानना सहज है। जिस तन में बाप स्वयं आया है उस तन को जानना भी जरूरी। जब तक बाप दादा दोनों को नहीं पहचाना तब तक सही ज्ञान नहीं आ सकता। मैं कई बार मन में सोचती थी, क्योंकि पहले बहुत ज्यादा माताओं को विघन बंधन पड़ते थे, मारे पड़ती थी, अंदर से आता था बाबा इनके पतियों को या किसी पति के आगे बंधन होता था तो इनकी पत्नी को थोड़ा दिव्य साक्षात्कार हो जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा कि ये आत्माएं सजाओं से छूट जाएंगे। लेकिन मुझे उत्तर मिला कि केवल साक्षात्कार से आत्मा नहीं छूट सकती है जब तक उसे ज्ञान की समझ नहीं है। उसे ये समझ भी मिलनी चाहिए कि जिस द्वारा उनको साक्षात्कार हो रहे हैं वो कौन है, कैसे वो प्रजापिता ब्रह्मा है और उसके द्वारा स्वयं सर्वशक्तिवान ज्ञान सुना रहे हैं। ये वही आत्मा है जो विष्णु रूप थी और पुनः विष्णु स्वरूप बनने के पुरुषार्थ में तत्पर है। जब तक पूरा ज्ञान नहीं है तब तक किसी को बंधन से छुड़ाना सरल नहीं होता। इसलिए ज्ञान के बिना साक्षात्कार हो भी जाए तो क्या समझेंगे, क्योंकि एक समय था बहुत साक्षात्कार होते। हमको आज कई पूछते हैं कि साकार बाबा के होते क्या दिवाली दुशहरा कैसे मनाया जाता। हमने कहा ऐसे थोड़ी मनाया जाता था, बड़ा अलौकिक रूप से मनाते। अभी तो दिए जला देते हैं, भोग लगा लेते हैं, बस ना। हमको याद है दिवाली का समय आता था 9 बजे तक सब फारिग होके अपने घरों से पूजा पाठ जो करना करके सब सेंटर पर भागते आते, क्योंकि जिस सेवा केंद्र में मैं रही वो मोहन टापू के बाद फर्स्ट ब्रांच थी जो कमला नगर सेंटर खुला था। तो वहां पर जब दिवाली का समय आता था तो कैसे भोग लगता था रात्रि को, कभी श्री लक्ष्मी, कभी श्री नारायण, कभी लक्ष्मी नारायण दोनों, कभी विष्णु रूप, किस प्रकार आत्माओं का संदेशी के तन में आना और कैसे उसका रोल चलना, कैसे सच्चों की दुनिया में लक्ष्मी नारायण का आगमन कैसे होगा, उनका स्वागत कैसे किया जाएगा या उनको किस प्रकार सब भोग स्वीकार कराएंगे, वो सुंदर दृश्य होते थे। सारी रात कैसे बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। तो तब दिवाली एक दिवाली लगती थी, अब तो एक रसम बन गई है कि भोग लगा दीजिए, दिया जला दीजिए, मोमबत्तियां जला लो, चलो नहीं तो कोई डांस ड्रामा भी कर लो वो भी हो गया। परंतु वास्तव में उस समय बड़े अलौकिक त्योहार मनाए जाते, ऐसे ही आम त्योहार नहीं होते। तो हमने उस समय के दृश्य भी देखे, बहुत सुंदर सुंदर दृश्य उस समय के चलते थे जो हमारे देखे हुए। बाकी आप मेरे अनुभव की बात पूछो तो अनुभव में क्या सुनाऊंगी, अनुभव यही सुना सकती हूँ कि मैंने भगवान को पाया। हमारे लौकिक पिताजी को बहुत था कि दुनिया क्या कहेगी कि पढ़ा लिखा के बच्ची को आश्रम में भेज दिया, मैं आपको आश्रम में नहीं भेजूंगा। तो वो मुझे सेवा केंद्र में रहने की छुट्टी नहीं देते थे, तो जिसके कारण मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मेरा समय वेस्ट जा रहा है और मैं ट्रेनिंग करना नहीं चाहती थी। अगर मैंने टीचर्स ट्रेनिंग कर ली तो ये मुझे नौकरी में डाल देंगे और नौकरी करने पर मुझे बंधन बन जाएगा, इसलिए मैंने ग्रेजुएशन किया लेकिन मैंने किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं की। तो एक बार मामा हमारी दिल्ली में आई हुई थी तो मैं मामा रजौरी गार्डन में ठहरी थी। तो मैं दोपहर का टाइम होगा 2:30 बजे का टाइम था, मैं मामा के पास पहुंच गई।
मामा भोजन करके रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। बड़ी दीदी ने कहा तुम मेरे साथ आकर लेट जाओ, जब मामा उठेगी तब उनसे मिलना। मैं खास मामा के पास गई कि मामा इस बार जो आप दिल्ली में आए हो मेरे जीवन का आपको फैसला करना है। मेरे जीवन का समय व्यर्थ जा रहा है, जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है आप मुझे अपना जीवन ईश्वर के घर में बिताना। लेकिन मेरे पिता मुझे सेवा केंद्र में रहने की अनुमति नहीं देते, परंतु मुझे ये मालूम था कि पिताजी का मामा से भी रिगार्ड था, प्यार था। तो मामा ने मुझे कहा ठीक है मैं बात करूंगी और जैसा होगा वैसा फिर मैं बताऊंगी। तो मैं समझती हूँ 5-6 दिन के बाद मामा उस साइड में आई और मामा ने पिताजी से पूछा, उनकी कास्ट नंदा थी, तो पूछा नंदा जी आपने हमारी चक्रधारी का क्या सोचा। तो पिताजी ने कहा कि मामा क्या सोचना है, ये घर में कुछ काम तो करती नहीं, क्योंकि घर में काम करने वाले थे, खाना खिलाने तक भी एक बेजी रखी हुई थी, बुढ़िया माता थी जो हमको खाना भी डाल कर देती थी, सफाई सुथराई बर्तन सब के लिए माता लगी हुई थी, तो काम तो करना नहीं होता था। तो कहते ये काम करना जानती नहीं, और जिस सेवा केंद्र पर जाएगी वहां पर सब कुछ करना पड़ता है, ये काम नहीं कर सकेगी, इसलिए मामा मैं नहीं समझता कि सेंटर पर चल पाए। तो मामा हमारी बहुत ही समझदार थे, तो मामा ने कहा नंदा जी ऐसा किया जाए कि आप इनको 4 सप्ताह की छुट्टी दीजिए, आप भी देखिए कि ये चल सकती हैं कि नहीं चल सकती, हम भी देखेंगे कि ये चल सकती है कि नहीं चल सकती, और ये स्वयं को स्वयं भी देखेंगे कि मैं चल सकती हूँ कि नहीं चल सकती। तो पिताजी मामा की ये बात सुनकर चुप रहे। मामा के चले जाने के बाद पिताजी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बीत गया, तब मैंने पिताजी को कहा कि मामा ने आपसे क्या कहा था, कहा बड़े कुछ भी कहते हैं तो बड़ों की बात सुननी होती है लेकिन आगे से बोलने की बात नहीं होती है, इसलिए मैंने मामा को आगे से कुछ उत्तर नहीं दिया। तो मैंने कहा नहीं, आपने जब मामा ने कहा 4 सप्ताह की छुट्टी दीजिए तो आप मुझे 4 सप्ताह की जरूर छुट्टी दीजिए। पिताजी स्वीकार नहीं किया, लेकिन मैं अचानक एक दिन गुलजार दादी जी के पास गई, तो गुलजार दादी जी उस दिन सेंटर में अकेले थे, जगदीश ब्राता जी साहित्य लिखते थे वो रहते ही थे, लिटरेचर के भाई लिटरेचर देखते थे, भंडारे की माता भंडारा देखती थी, गुलजार दादी जी के साथ कोई दूसरी बहन नहीं थी, जो बहन थी वो किसी अन्य सेंटर में चली गई। तो दादी ने मुझे बड़े प्यार से मेरे गले में हाथ डाल करके मुझे कमरे में ले गई और जाकर मुझे कहा कि चक्रधारी आजकल मैं इस सेंटर पर अकेली हूँ, क्या आप मेरे साथ आकर रहोगी। तो मुझे मन में फौरन, मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने फौरन कहा जी दादी मैं आपके साथ रहूंगी। कब आओगी, तो मैंने कहा मैं कल ही आ जाऊंगी, क्योंकि मन में ये चला जब मैंने अपना जीवन ईश्वरीय जीवन बनाना है तो इससे बढ़कर अच्छा चांस कौन सा होगा, क्योंकि गुलजार दादी जी के लिए मेरी बहुत भावना थी कि बहुत ही गंभीर मूर्त ज्ञानी तो आत्मा है, और ब्राता जी भी बहुत साहित्य आदि लिखते थे और हमें कई बार समय प्रति समय साहित्य के कार्य के लिए बुलाया भी करते थे और मेरा कई बार जाना आना वहाँ होता रहता था। तो मैंने सोचा जगह भी बहुत अच्छी है, पुरातन सेंटर है, क्यों नहीं मैं अपने जीवन का निर्णय लूंगी। मैं दूसरे ही दिन दोपहर को 3 बजे तक एक एयर बैग लेकर के पहुंच गई, बिना घर से पूछे मम्मी को बता दिया, मम्मी मेरे साथ थी
पिताजी को नहीं बताया और मैं पहुंच गई। उस समय दादी ने मुझे कहा कि चक्रधरी अभी रेस्ट का टाइम है, तो आप भी रेस्ट करो। रेस्ट कहाँ करें, आप सोचो उस समय सेवा केंद्र बहुत साधारण रूप में चलते। एक खटिया थी, वो खटिया भी वो थी जो सिंध हैदराबाद से कराची से लाई गई खटिया थी, और दो कुर्सियां थी और एक टेबल था, यही टोटल फर्नीचर था सेंटर। तो दादी ने कहा मेरी खटिया के नीचे एक रखा हुआ है, चटाई रखी है, उसे निकालो और निकाल कर आप दोपहर का टाइम है, आप भी रेस्ट कर लो। आप समझेंगे कि वो चटाई मेरे लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत सुंदर बढ़िया कारपेट है, जिस कारपेट को, जिस गलीचे को बिछाने के लिए मुझे दादी ने कहा। मैंने चटाई बिछाई और उस पर सो गई, बहुत सुखद नींद में सोई। उस समय हमारे कमरे में कोई अलमारी नहीं होती थी, सात वाले कमरा छोटा सा स्टोर टाइप कमरा था, उसमें दीवार में जैसे कोई सीमेंटेड बने हुए थे, चार ताक बने हुए थे। एक ताक में गुलजार दादी जी के कपड़े थे, ऊपर के ताक में जगदीश प्राता जी के कपड़े थे, सबसे नीचे ताक में बहन जो भंडारे वाली उसके कपड़े थे, और जो थर्ड ताक था मुझे कहा कि आप अपने कपड़े उसमें रख लो। तो एक ही अलमारी में हम सबके कपड़े टिके हुए थे। गुलजार दादी जी भी जो चारपाई पर सोते थे, वो भी सेवार्थ। दादी जी जिस चारपाई पर सोते थे वहां नीचे दरी बिछी थी, दरी के ऊपर चादर बिछाकर वो सोते थे, लेकिन दरी के ऊपर हम सब कपड़े जो धुलते थे उनको पानी लगा करके, भाई सब के कपड़े, गुलजार दादी के कपड़े, मेरे कपड़े, पानी लगाकर बहुत अच्छी तरह तय करके और वहां सब रख देते थे, उस खटिया पर बिछा लेते थे और उसके ऊपर चादर बिछ जाती थी, और रात को दादी वहां सोती थी, सुबह हम सब के कपड़े प्रेस हुए हमें मिल जाते। इस प्रकार बड़ा सिंपल और सादा जीवन था, कभी संकल्प भी नहीं आया कि इन कपड़ों को प्रेस कराना। हाँ, अगर किसी मिनिस्टर आदि से मिलने आदि का प्रोग्राम होता था तो जगदीश भ्राता जी के वो कपड़े, केवल एक जोड़ा पजामा कुर्ता या गुलजार दादी जी की एक साड़ी और ब्लाउज, वो प्रेस करा के लाते थे, वो भी जब कहीं मिलने जाना है, बस इतना ही होता, क्योंकि उस समय बहुत सादा जीवन चलता था, इतना पैसे नहीं थे कि इतना खर्च किया जाएगा, लेकिन सादा जीवन बड़ा सुखी था। कोई फल आता था तो ऐसा भी नहीं कि फल उठाया और खा लिया, नहीं, हमेशा ये कहा जाता था पहले इसकी सेवा की जाएगी, जब देखेंगे कि अब ये फल सेवा के योग्य नहीं रहा, किसी को देना अच्छा नहीं लगेगा, तब फिर उस फल को खाने की प्रबंध या प्रोग्राम बना लिया जाता था कि आज इस फल को खत्म करें, नहीं तो सब सेवा में जाएगा। तो इस प्रकार बहुत सिंपल जीवन था और बहुत सुखद जीवन, बहुत आनंद का जीवन था, खुशियों का जीवन। तो मैं कहूंगी ऐसा जीवन हमने बनाया और बिताया, वो जीवन आज तक हमको याद आता है। उसी जीवन में प्यारे बाबा ने हमको अपना बना लिया। हमको थोड़ा ही दिन हुए अभी तो हमारी लौकिक में बहन आई, उसकी बहुत बड़ी कोठी वगैरह थी, तो उसने सोचा कि कहाँ जाके रही, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आप अपना कमरा दिखाओ। अब मेरा कमरा हो तो दिखाऊं, मेरी तो खटिया भी नहीं थी, वो भी चटाई पर सोते थे, तो मैंने कैसे अपने आप को बचाऊं। ऐसे जैसे बाबा बहुत मदद करते थे, तो मैंने कहा कि जो पवित्र नहीं रहते हैं वो हमारे कमरों में अंदर नहीं आ सकते, इसलिए आप अंदर आना आपके लिए शायद उचित नहीं रहेगा। तो वो समझ गई कि अगर पवित्र नहीं तो कमरों में नहीं जाना, तो वो नहीं आई। अब था ही नहीं कमरा, तो मैं उनको दिखाऊं कौन सा मेरा कमरा है, मेरी खटिया भी नहीं है जो मैं उनको ये दिखा दूंगी ये मेरी खटिया है। तो बड़ा सिंपल जीवन था। जगदीश भ्राता जी भी सोते थे, तो एक बेंच था जिस पर क्लास होती थी,
उस बेंच में उनकी पूरी टांगे नहीं आती थी, स्टूल दो रख लेते थे आगे थोड़े लंबे लंबे करके, ताकि बाकी टांग स्टूल पर रखी जाएंगी। इस प्रकार जीवन चलता था, सादा जीवन था, ऐसा लगता था बड़े आनंद का जीवन है, क्योंकि प्रभु का जीवन, दाता का दिया जीवन है, ऐसे सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों से संपन्न जीवन, बहुत खुशियों का जीवन लगता। वो समय आज भी याद आता है। आज के समय में ऐशो इश्रत के साधन तो बहुत बन गए, लेकिन वो जो सुखद अनुभूतियां थी उस समय की अनुभूतियां ही एक अलौकिक न्यारी और प्यारी। इसलिए ऐसा सादा जीवन, श्रेष्ठ विचारों का जीवन, प्यारे बाबा के सब बच्चों को लेकर साथ चलने का जीवन, बहुत सुंदर जीवन। तो उस जीवन का तो मैं आपको यही वर्णन सुना सकती हूँ, बाकी और अनुभव मैं आपको क्या बताऊँ। आप कुछ पूछना चाहो तो मेरे से पूछो, तो मैं आपको उसके विषय में कुछ बता दू। ठीक है, ओम शांति, ओम शांति। डॉक्टर साहब बोलिए। तो करूँ डॉक्टर साहब जी, बहुत अच्छा आपने यज्ञ में कैसे सबने त्याग और तपस्या की है, उन बातों को कुछ नए भाई बहन है उनके सामने रखा, समझ में आवे कि कैसे ये यज्ञ आगे बढ़ा है और कितनी त्याग तपस्या हमारे पूर्वजों की रही है। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, या बहुत अच्छा सुनाया। हम तो पहले से ही प्रेरणा लेते रहे हैं, लेकिन खास कन्याओं के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। यहाँ भी जो कन्याएं हैं उनको मालूम पड़ेगा कि कैसे बाबा का बनना है, तो कैसा त्याग करना होता है और कैसे हमें आगे बढ़ना होता है, कैसे निश्चय करना होता है, ये सब आजकल की भी कन्याओं के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन भी है, मिला भी है। और बाकी जन नाम की कहानी भी अच्छी है, वो भी बात ठीक है। तो ये अनुभव सुनके और भी दोबारा अनुभव सुनाए, ऐसा हमारी आरजू है आपको। अभी भी बहुत समय की तपस्या के बाद हमको सुनने का मिला, और विनेश भाई भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे चक्रधारी दीदी, ये मिनेश भाई है ना, सारा ये कार्यक्रम का आयोजन करता है, कैसे भी जैसे पूनम बेन को कह कर सारे दिल्ली के बड़े बड़े को हमारे सामने रखा। तो ये आते ही बहुत सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा से सारे विश्व की सेवा हो रही है ऐसा हम सुन रहे हैं। तो आप जैसे हमसा बहन और बड़ी बड़ी बहनों का आपने सुना है, जैसे आपका भी अभी और छोटा अनुभव सुना है, हाँ ये हमारी अर्जी स्वीकार करेंगे। ठीक है ना मिनेश भाई जी? जी, आपने हमारे मुख की बात छीन ली, बहुत अच्छा। और पूनम बहन, अभी हम आपका धन्यवाद करें या आप दीदी जी का धन्यवाद करेंगे, क्या करें? नहीं, धन्यवाद की कोई बात नहीं है। दीदी जी का तो धन्यवाद कहने के लिए, दीदी जी का धन्यवाद करने के लिए तो शब्द ही नहीं है, लेकिन जो दीदी जी के आगे अर्जी रखी गई है वो उन्होंने अवश्य स्वीकार कर ली होगी, और अगली तिथि भी बताएंगे, और दिल्ली के और भी जो मुख्य हैं उनका करवाने के लिए गाइड उनसे रिक्वेस्ट है। और आपको ठीक है दीदी, चलिए दो मिनट बाबा की याद में बैठते आप सबको दृष्टि दीजिए। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना
सोचे मेरे लिए, कोई सोचे न सोचे मेरे लिए, हर घड़ी सोचता है शिव बाबा, जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए।